तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रैनी के चैप्टर 2 के अंदर, जिसमें ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों होते हैं, उसमें हमें क्रोबार कहाँ कहाँ पर मिल जाता है जिससे हम 2 क्रेट ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। हमने ओपन करना है माइक्रोवेव को, अगर वहाँ पे मिलती है हमें सिक्योरिटी की, तो हमने इस सिक्योरिटी की को उठाना है और सिक्योरिटी रूम को जाकर ओपन करना है। तो जल्दी से मैं जाकर सिक्योरिटी रूम को ओपन करता हूँ। तो इसके बाद हमने जाना है इस सीढ़ी से ऊपर, ऊपर वाली साइड पे जाना है और जाके उस कबर्ड को ओपन करना है। तो मैं इस दरवाजे को खोल लेता हूँ, इस कबर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रोबार हमें मिल जाएगा। तो नंबर 2 सिचुएशन की तरफ चलते हैं। तो हमने फिर से जाना है, यानी कि ग्रैनी के किचन में जाना है, ग्रैनी या ग्रैंडपा जिसका भी किचन है। तो हमने जाके माइक्रोवेव को ओपन करना है, क्योंकि मैं हर चीज़ को यहाँ से रिलेट करता हूँ, सबसे ईजी भी यहाँ से ही रहता है। तो माइक्रोवेव को ओपन करते हैं। तो अगर यहाँ पे मिलती है हमें बोट की, तो हमने जाना है ग्रैनी और ग्रैंडपा के बेडरूम के अंदर। तो इनके बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये है उन दोनों का बेडरूम। तो साइड पे यहाँ पे एक टेबल होगा, यानी कि दरवाजों के ऊपर वाला टेबल, यहाँ पे हमें मिलेगा रेंच। तो इस रेंच को उठा लेना है। तो साइड वाले रास्ते से आ जाए, बड़े रास्ते से आ जाए, तो मैं यहाँ से नीचे डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो मैं आ गया बाथरूम के अंदर। तो यहाँ से हमने जाना है सीधा न्यू पेट वाले रूम में, और यहाँ पे जाके नीचे जो हमने पेच होता है, स्क्रू होता है, इसको ओपन कर देना है, ताकि जो गंदा पानी है, जिसके ऑक्टोपस होता है, वो चला जाए। तो जल्दी जल्दी से मैं स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो स्क्रू ओपन होने लग गया है। तो जल्दी से हम चलते हैं ऊपर, तो इतनी देर में पानी भी चला जाएगा। तो अब हमें चाहिए ग्रैनी को, पेट को मारने के लिए कोई चीज़। तो मैं वेपन की ले आता हूँ। तो वेपन की हमें ऊपर मिलेगी, ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है, तो हमने उस साइड पे जाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइड पे। तो हम आ गए हैं डाइनिंग टेबल वाली साइड पे। तो इस ड्रावर को हमने खोलना है। दराज को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी वेपन की का जो होती है की, यानी कि वेपन की मिल जाएगी। तो हमें चाहिए अब शॉर्ट गन। तो हम जाएंगे जाकर उस बुक को पुश करेंगे, यानी कि वो जो सी भी बुक है उसको खींचेंगे, जिससे हमारा ये दराज खुल जाएगा। तो इस बुक को मैं खींच लेता हूँ, तो यहाँ पे एक रास्ता सा बन जाएगा। तो हमने अंदर जाना है और यहाँ पे हमारी वेपन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट गन पड़ी होगी, शॉर्ट गन को उठाना है, इसके अंदर बुलेट लोड कर लें। तो अब चलते हैं दोबारा से पेट के पास, ग्रैनी के पेट के पास, ग्रैनी का बेबी भी इसे कहते हैं। तो इसको बाहर की तरफ बुलाते हैं। तो ये ग्रैनी का बेबी बाहर की तरफ आ गया। तो अब इसको मार देते हैं। तो पहला निशाना मेरा मिस हो गया, तो दूसरे पे हम इसको आराम से मार देते हैं। तो ये मर गया है। तो अब अंदर जाएंगे इसके घर के अंदर, तो यहाँ पे हमें हमारा क्रोबार मिल जाएगा। तो नंबर 3 सिचुएशन की तरफ चलते हैं। तो फिर से जाएंगे ग्रैनी ग्रैंडपा के किचन के अंदर, जाके माइक्रोवेव को ओपन करेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को यहाँ से रिलेट करता हूँ। तो चलते हैं हम ये आगे माइक्रोवेव के पास। तो किचन के अंदर माइक्रोवेव पड़ा होता है, तो इसको ओपन करते हैं। अगर यहाँ पे मिलता हमें हैंड व्हील, तो हमने दोबारा से जाना है ग्रैनी के बेडरूम के पास, एक कबर्ड है उस साइड पे। तो हमें, जी हाँ, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मिलेगी हमें स्टन गन। तो स्टन गन को हमने उठा लेना है। तो मैं इसको जाके पेट के पास फेंक आता हूँ। तो मैंने इसको फेंक दिया है ग्रैनी के पेट के पास। तो अब हम चलते हैं, और हमने आना है यहाँ पे सेफ होता है इस रूम में आना है, और यहाँ पे 3rd कबर्ड को ओपन करना है, यानी कि 3rd दराज को ओपन करना है। तो यहाँ पे मिल जाएगी हमें हमारा रेंच। तो हमने दिया कि दोबारा से स्क्रू को ओपन करना है, जो कि नीचे लगा होता है। तो जल्दी से चलते हैं हम यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे बैठ के हमें नीचे जाना है। तो साइड पे हमने जाकर स्क्रू को ओपन कर देना है, ताकि वो गंदा पानी है जिसमें ऑक्टोपस होता है, वो सारा बाहर चला जाए। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब हमने उठानी है अपनी सी, जो भी हमारी स्टन गन है, हमने उसे उठानी है, ताकि हम उसको मार सकें जो ग्रैनी का पेट है। तो जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ और ये इसको मैं उठा लेता हूँ अपनी गन को। तो स्टन गन को उठा के चलते हैं ग्रैनी के पेट को, बाहर की तरफ बुलाते हैं। तो उसको ग्रैनी का बेबी भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें। तो अभी तो यहाँ नहीं रहा, लगता है नाराज़ हो गया हमारे से। तो जल्दी से मैं इस गाने का वेट करता हूँ। तो कभी कभार ये बहुत स्पीड में आता है, तो देखना पड़ेगा। तो अभी आ तो नहीं रहा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, तो वो आने लग गया पीछे। तो जल्दी से पीछे आ जाए, नहीं तो ये आपको मार देगा। तो इसको मैं मार देता हूँ। तो जितने में मरता है, तो हम जाके अपना क्रोबार उठा लेते हैं, और साइड पे हमारा क्रोबार पड़ा होगा। तो नंबर 4 सिचुएशन की तरफ चलते हैं। दोबारा से जाएंगे ग्रैंडपा के किचन में, ग्रैनी ग्रैंडपा, यार जो मर्जी कह लो। तो जल्दी से चलते हैं इनके किचन के अंदर, जाके माइक्रोवेव को ओपन करते हैं, देखते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है। मैं हर चीज़ को यहाँ से रिलेट करता हूँ, इसलिए यहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मिलती है हमें स्टन गन, तो हमने कहीं दूर नहीं जाना, पास ही इस कबर्ड को ओपन करना है। तो यहाँ पे हमें क्रोबार मिल जाएगी।
तो फाइनल सिचुएशन की तरफ चलते हैं, तो हमने जाना है दोबारा से गृहिणी के किचन के अंदर जाके माइक्रोवेव को ओपन करना है और देखना है उसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इस माइक्रोवेव को ओपन कर लेते हैं, अगर इसके अंदर हमें मिलता है रेंच तो साथ ही हमने टनल यानी केव जो भी है रास्ता सा बनाया हुआ है ग्रैनी ने, तो इसके अंदर जाना है और यहाँ पे हमारा हमें क्रोबार मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ग्रैनी की इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ।